सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जो डाइवोर्स है डाइवोर्स कम से कम कितने समय में मिल जाता है। इन केस अगर पत्नी ने अप्लाई किया है तो उसको कितने टाइम पीरियड बाद डाइवोर्स मिल जाएगा अपने हस्बैंड से। अगर हस्बैंड ने अप्लाई किया है अपनी पत्नी के रिगार्डिंग तो उसे कितने टाइम में डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डाइवोर्स दो तरह से लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लॉज बी म्यूचुअल कंसेंट, इसमें क्या होता है, हस्बैंड भी राजी होता है और वाइफ भी, दोनों अपनी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। यानी कि हस्बैंड भी बोलता है डाइवोर्स चाहिए और वाइफ भी बोलती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लॉज बी के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं और उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 6 महीने ही लग जाएं, कभी कभी कोई केस रेयर होते हैं, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वह साथ नहीं रह सकते तो उन्हें 2 या 3 महीने में ही डाइवोर्स मिल जाता है। डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर और केस के सर्कमस्टांसिस और फैक्ट के ऊपर। ये तो हो गया म्यूचुअल कंसेंट वाला डाइवोर्स। अब सेकेंड आता है विदाउट कंसेंट वाला, जो कि 13 क्लॉज ए सेक्शन में कंसिडर किया जाता है। यानी कि 13 क्लॉज ए के तहत डाइवोर्स लिया जाता है। इसका क्या होता है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। जैसे कि आप 13 क्लॉज ए का अप्लाई करते हो तो कोर्ट आपको 6 महीने की डेट तो वैसे ही देता है, आपको 6 महीने के टाइम वैसे भी लिया जाता है कि वह एक बार सोच लो, कहीं आपका विचार बदल ना जाए। जैसे ही आपने अप्लाई किया 6 महीने का टाइम ऐसे ही दिया जाएगा, फिर आपका ग्राउंड प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको डाइवोर्स चाहिए किस ग्राउंड पर चाहिए। जनरली टू जनरली यही होता है कि मारपीट, धर्म चेंज करना, या हस्बैंड का किसी और से अफेयर चलाना, या वाइफ का किसी और से अफेयर चलाना, तो इनका आपको करना पड़ता है प्रूफ। जैसे ही प्रूफ हो जाता है तो आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है। और वो डिपेंड करता है आपके केस के फैक्ट कितने मजबूत हैं, आपके पास प्रूफ है या नहीं, तो इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। तो इसके लिए अब 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी, डिपेंड करता है आपके केस के फैक्ट के ऊपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डाइवोर्स कितने टाइम में मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।